रुखसाना, जरा यहाँ पर देखकर चलना, यहाँ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। क्या बाजी, कीड़े मकोड़े? भाभी, तुम कब आती हो यहाँ घूमने? मैं इस बाग में जब आती हूँ, जब इस बाग में नाशपाती और ढेर सारे आम होते हैं, पूरा बाग खिला खिला लगता है एकदम। भाभी, तो मुझे क्यों नहीं लाती हो तुम? तुझे तो पता है तेरे भैया कितना गुस्सा करते हैं कि रुखसाना को कहीं बाहर नहीं ले जाना। वो तो मैंने ही जिद कर दी दूल्हे भाई से जब उन्होंने हाँ कर दी। हाँ, वो तो मैंने उनसे बोला कि नफीसा शहर से आई है, बाग तो दिखा लाए और साथ रुखसाना को भी ले जाऊं। तेरा परिवार कैसा है तुझे तो पता ही है। भाभी, हमारे फूलों की भी खेती है ना? हाँ हाँ, धीरे धीरे सब दिखाऊंगी। चल चल, नर्सरी भी दिखा के चलो, 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 चलो भाभी। बाजी, इन पे आम कब आएंगे? अभी तो एक महीने पहले ही सारे आम तुड़वाए हैं सरपराज भाई से कह के। अच्छा? और अभी दवाई लगवाई है। रुखसाना, तुझे तो सांप ने काट लिया। क्या? हाँ। सांप ने? रुखसाना, जल्दी चल, इसके भैया को बुला के लेके आते हैं। जल्दी चल। ओवे, ओवे, इसका मतलब इसके सांप ने काट लिया। ये तो सांप के दांत हैं। जिंदा है भी, जिंदा। लगता है इसके सांप ने काट खाया। गुरु का नाम लेके दवाई खा के देखता हूँ ऊपर वाला ना जाने से ठीक करी दे। जल्दी क्या हो गया मेरे बच्चे को? अम्मी, सांप ने काट लिया। कहाँ पे? आ जाओ जल्दी, वहाँ बाग में। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे अल्लाह, अरे जल्दी आओ। कहाँ है? जल्दी कहाँ है? आ जाओ जी, जल्दी आ जाओ। लगता जहरीले नाग ने काटा किसी ने, और दवाई खानी पड़ेगी। या गुरु कर दे भला ऊपर वाले। मेरी बेटी ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, मैं तो एक बेघर आवारा इंसान हूँ। तुम्हारी बेटी को सांप ने काट लिया था, अगर मैं नहीं आता शायद ये तुम्हें जिंदा नहीं मिलती। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक इंसान के रूप में एक फरिश्ता भेज दिया। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? रुखसाना, रुखसाना तुम ठीक तो हो? आंखें तो खोलो रुखसाना। हाँ बेटी, तू ठीक तो है? तेरा अब्बू आ गया, घबराए मत। रुखसाना, रुखसाना मेरी बहन, एक बार आंखें तो खोल, चल घर चल। रुखसाना, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। अब्बू, भैया, भाभी, अम्मी। मेरे बच्चे, रुखसाना, रो मत, देख, देख तेरे अब्बू भी रोने लगे। रो मत मेरे बच्चे, रो मत रुखसाना, देख तुझे देख के तेरे भैया भी रो रहे हैं। चुप हो जा, नफीसा भी रो रही है देख तुझे देख के। भैया तुम क्यों रो रहे हो? मैं ठीक हूँ। और ये कौन है? बेटे, ये तो वो फरिश्ता है जिसने तुझे नई जिंदगी दी है, वरना। बेटा, तुम कौन हो? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो एहसान तुमने मेरे ऊपर किया है वो एक फरिश्ता ही कर सकता है। ये तो मेरा फर्ज था।
बाकी करने वाला तो ऊपर वाला होता है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हारा ये एहसान है, तुमने फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। रुखसाना, तुम ये क्या कह रही हो? इसमें कर्ज की क्या बात है, मैं तो वक्त का मारा इंसान हूँ। बेटा तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करता, मैं तो बस उस नागिन की तलाश में रहता हूँ जिस नागिन ने इन्हें काटा है। क्या बेटा, तुम्हें कैसे पता वो नागिन थी या नाग था? नागिन ही हो सकती है, क्योंकि कोई भी नाग किसी नारी को अपना आप नहीं काटता। वो नागिन ही होगी और वो किसी की तलाश में होगी। क्या? हाँ हाँ, गलती से मेरे अब्बू और अम्मी से उस नागिन का नाक कट गया था फावड़े से, और उस नागिन ने मेरे अब्बू और अम्मी को डस लिया। क्या? हाँ, और मैं जब इसे तलाश में हूँ, और मैंने अपने गुरु से यही सीखा है कि मैं किसी को भी सांप के काटे से मरने नहीं दूंगा। अम्मी। हाँ बेटा। इसे घर लेके चलो, खाना खिला देंगे। हाँ बेटा ठीक है, बेटा खाना खा के जाना। चलो चलता हूँ, जब ये प्यार से कह रही है कि एहसान है आपका। चलो चलो घर चलो। चलो 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 सब घर चलो। किस किस को बचाएगा शेख चिल्ली? मैं तो पागल हूँ पागल, और पागल का इलाज करना बहुत कठिन है शेख चिल्ली। जिस दिन तेरे पे अपने गुरु की दवा नहीं होगी ना, उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा। मैंने इस लड़की को इसलिए काटा कि तू आए और बचाए। जिस दिन तेरे पे अपने गुरु की दवा नहीं होगी ना, मैं उसी दिन तुझे डस लूंगी। एक रोटी और ले लो। नहीं नहीं नहीं, एक बस, एक मेरी तरफ से। बस रहने दो, एक रोटी और खा लो बस, प्यार से मेरे कहने से खा लो। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ अम्मी के बाद आज किसी ने पहली बार कहा कि एक रोटी और ले लो। तुम यहाँ से जाना मत, हमारे घर में बहुत काम है। मैं तुम्हारे काम के लिए अब्बू से बात कर लूंगी। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा हाँ तो हाँ। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है तो तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे यहाँ रहने की बात बनाती हूँ भाभी से। भाभी भाभी भाभी। बोल बोल बोल, और रोटी चाहिए क्या? नहीं रोटी नहीं चाहिए, रोटी वाला चाहिए। क्या? हाँ भाभी। तेरे भैया को पता चल गया ना, जान से मार देंगे तुझे। भाभी कैसे भी करके तुम इसे यहीं रोक लो ना। चल ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। भाभी तुम कितनी अच्छी हो। मस्त का मत लगा। ठीक है मैं तेरे भैया से कुछ बात करती हूँ इनको काम पे रखने की। थाली ले जाओ, ये खाई नहीं। थाली? मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी टी शर्ट भी सेक्सी, मेरे टोपी भी सेक्सी है। हाय मेरी जान, क्या कर रही है? बड़ी सुंदर है, बड़ी स्मार्ट है, कहाँ से आई है मेरी टिकटॉक? आए, ओए। तू क्या बकवास कर रहा है? आ मेरी जान। कुछ चाहिए तो नहीं तुझे? आ मेरी जान दे दे, कुछ भी दे दे, बड़ा परेशान हूँ। भाईजान भाईजान। हाँ जी। हम गांव में गए थे, बता रहे थे किसी का सांप ने काट खाया, और लोग बता रहे थे इलाज करवाने का इधर ही लेंगे, गांव वाले इधर ही बता रहे थे। भैया वो गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो उन्हें मिला नहीं, उन्हें एक वैद्य के पास भेजा, उसे अंदर पार्क में डाल रखा, वहाँ जाके देख लो। जाओ आओ। चलो चलो बेटा चलो। अरे इरशाद, अब कैसी तबीयत है इसकी, सांप ने कैसे काट लिया? चाची
हम इसे डॉक्टर के ले गए, उसने मना कर दिया। अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कभी आंखें खोल लेता है, कभी बंद कर लेता है। एक वैद्य जी आए थे, उन्होंने इसे यहाँ लिटवा दिया और वो अभी तक नहीं आए। चाची, अब पता नहीं क्या होगा, कभी आंखें खोल लेता है, कभी बंद कर लेता है। पहले डॉक्टर के ले गए, वहाँ कुछ हुआ ना, फिर वैद्य जी के लाए, वैद्य जी ने यहाँ लिटवा दिया। भाई कैसा सांप था? हमें नहीं मालूम कैसा था। अभी सभी बचा दो। कोशिश करता हूँ, देखो दवाई है ना। है या मेरे मौला या मेरे गुरु, कर दे करम, बचा दे इसकी भी जान, दिखा दे करिश्मा। थो, थो। यामिन बेटा, अब कैसी तबीयत है तेरी? अब तो ठीक हूँ मैं। कैसे काट लिया था? वो तो लड़की थी, मुझे नागिन बन के काट लिया। ये वही नागिन थी जिसने रुक्साना को काटा था। अच्छा बेटा, तुम तो जाने वाले थे, अगर तुम चले जाते तो इसकी जान कैसे बचती? अम्मी, जब इसका कोई नहीं है तो अपने घर में रख लो, घेर का काम भी संभाल लेगा और पशुओं को भी चरा लिया करेगा। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। क्या तुम हमारे यहाँ रह सकते हो? हम तुम्हें रहने के लिए जगह भी देंगे और काम भी देंगे। चलो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ चलो। खेत क्यार और पशुओं का काम तो तुम कर लोगे? हाँ जी, कर लूंगा मैं तो। चलो तो चलो बेटा, घर चलो, घेर में रह लिया करेगा। और हाँ, इसकी रोटी टाइम पे पहुँचानी पड़े करेंगी। ठीक है अम्मी, मैं टाइम पे पहुंचा दिया करूंगी। ठीक है बेटा, मैं तो भाभी के साथ जाया करूंगी। ठीक है, चलो घर चलो। हाँ चलो भाई चलो। यामिन बेटा, तुम भी अपने घर। ठीक है खाला, आओ। चलो भाईजान, हिम्मत से करो। चलो भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही तो सोच रही थी कि तू इसी इलाके में रहे और मुझे कहीं ना जाना पड़े। लो अब्बू चाय। लो बेटा। लो जी आप भी। अरे बेटा, ये तो बड़े अच्छे कप हैं, ये तो धोने भी नहीं पड़ते। अम्मी, वैसे जो ना हमारे ऑफिस में इन कपों में चाय पी मैं, ये मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ। अच्छा, ऑफिस में पीते हैं। हाँ हाँ। हाँ अम्मी, भैया भाभी को बिल्कुल मतलब काम करवाना नहीं चाहते, पूरा आराम देना चाहते है। हाँ, बस मुझे ही आराम मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा तो तुम्हारा काम ना करूंगी कुछ मैं। अरे सुनो, उस शेख चिल्ली की रोटी भी पहुंचानी है। अगर रोटी बन गई हो तो लाओ दे दो, उसकी रोटी भी देता जाऊंगा और ऑफिस भी चला जाऊंगा। ये भी ठीक है, खाना बन गया हो तो दे दो। भाभी, अभी कहाँ बना है जी खाना? आप जाओ, हम पहुँचा देंगे। हाँ बेटा तू जा, हम पहुँचा देंगे, और शाम को फल वगैरह लेते आना। ठीक है अम्मी, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। प्यासी है भैंस बिल्कुल, मांग रही पानी। ए ले पी ले, लकड़ी यही डाल रखी है, ये सब काम मुझे संगवाने पड़ा करेंगे। ये ले जा, पीले 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 पीले। ए, इतनी प्यासी है। ओवे, तू भी पिएगी? रह कर रही है, ऐ कर रही है। ओवे, इतनी प्यासी, तली में ही मुंह अड़ा दिया। ठीक है, पीले पीले पीले, और ले आऊंगा। ले, ले, ओए,
मुंह हटा रही है, ले तेरे पे डाल दूंगा। चल ठीक है ना, ए ले। रुखसाना। हाँ भाभी। मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भाभी तुम ही तो कह रही थी अच्छा है, मेहनती है, घर बैठे बिठाए मिल गया, अब डर गई? डरी नहीं हूँ मैं, लेकिन तेरे भैया का और अम्मी अब्बू का गुस्सा देखा है ना तेने, अगर तेरे बारे में इतनी सी भी बात सुन ली ना तो जान से मार देंगे तुझे और मुझे। भाभी एक ही तो भाभी मिली है और वो भी डरपोक। डर नहीं रही हूँ पगली, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चल जान पे भी खेल जाऊंगी तेरे लिए तो। हाँ तो चलो करते हैं फिर जंग। चलो मेरे हैं मगर मुझसे उसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा प्यार है, मेरा है मेरा। तू कौन है, हमें कैसे जानती है, क्या बोल रही है और किसकी बात कर रही है? मैं शेख चिल्ली की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारे यहाँ नौकर का काम करता है, वो मेरा है मेरा। तेरा है तो जा ले ले, हमें क्या सुना रही है, हम तो आज ही जाके पूछ लेंगे, फिर हम क्यों आएंगे यहाँ रोटी देने। अगर उसने कह दिया वो किसी और का है तो मान लेंगे, अगर नहीं कहा तो मैं उसकी तरफ देखने वाले की आंखें नोच लूंगी। बोले या ना बोले वो मेरा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है तेरा है तो तेरा ही सही। चल रुखसाना। चलो भाभी जाओ, आज तुम्हारे हाथ में उसके लिए खाना नहीं होता ना तो तुम दोनों को यही सबक सिखा देती, मैं उसे पा कर रहूंगी। शेख जी। हाँ आ रहा हूँ। आ जाओ खाना खा लो। मैं बाद में खा लूंगा, तुम रोटी रख दो यहीं। रोटी रख जाओ, मैं खा लूंगा काम करके। भाभी ये पागल तो नहीं है, हम तो खाना लेकर आए और ये कह रहा है खाना रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। अभी ले। शेख जी खाना खा लो आके, तुम्हारे बगैर रुखसाना भी भूखी है, जब तक तुम नहीं खाओगे ये भी कुछ नहीं खाने वाली, काम बाद में करते रहना। क्या मेरे घर नहीं खाएगी, इतना चाह रही है क्या मेरे मोला? अब मुझे जरूर जीना, अपने लिए ना सही नुकसाने के लिए सही। क्या सोचने लगे, बोलो बोलो। कुछ नहीं निकालो निकालो खाना निकालो, आ रहा हूँ मैं। चार पाई बिछाता हूँ यहाँ, सब बैठ के खाएंगे इसमें। ये बैठो 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 बैठो, तुम भी खाओ बैठ जाओ। रुखसाना बैठो। शेख जी तुम दोनों खाना खाओ, मैं अभी आई जरा घेर का काम देख के। क्यों तुम नहीं खाओगी? नहीं मैं तो खाना खा के आई हूँ। ठीक है तू काम देख लो मैंने कैसा करा। अच्छा मेरे लिए तुमने भी नहीं खाया खाना। भाभी तुम भी खा लेती खाना। अरे नहीं, और सुनो खाना खाते खाते ही बात कर लेना वरना देर हो जाएगी। ठीक है भाभी। रोटी बाद में खाना, पहले ये बताओ कौन थी वो जो तुमसे मिलने आई? क्या कौन थी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ नहीं, तू कह के जवाब दो। ठीक है तू क्या कह रही है। बाप मेरे से मिलने कोई नहीं आया, ना मेरे पास कोई आई, मेरे से मिलने कौन आएगा, तुम्हारे परिवार के सिवा मुझे कोई जानता थोड़ी है, वैसे भी मुझे कुछ देर तो हुई ना यहाँ आए को। तो वो फिर कौन थी? कौन थी? तुम सही बोल रहे हो वरना तुम्हें मेरी कसम है। मैंने तो किसी के यहाँ साया भी नहीं देखा और तू औरत की बात कर रही है। देखो शेख जी तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लाऊंगी और रोज तुम्हारे साथ खाऊंगी। रुखसाना सुन, अगर किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या, मैं तो चाहती हूँ सब देखे, हमें पूरी दुनिया देखे और मैं तुम्हारी गोद में सर रख के पूरी दुनिया देखूं।
अरे आज ऑफिस नहीं गया बेटा? अम्मी आज ऑफिस बंद था, पड़ोस में कोई मर गया। चल आजा बेटा रोटी खा ले। अम्मी सलमा रुखसाना कहाँ गई दोनों? नजर नहीं आ रही कहीं भी। शेख चिल्ली को रोटी देने गई है दोनों घेर में। रोटी तो एक ही दिया थी, एक तुम्हारे पास भी तो होनी चाहिए थी, तुम भी तो खाना खा रहे हो। अरे जान दे, हम कोई बूढ़े ना है, मैं नहीं खिला सकती इन्हें खाना। तू ऐसा कर, जाकर देखिए मोटरसाइकिल पे उन्हें। मैं ला रहा हूँ उन्हें, देख कर तभी खाऊंगा मैं खाना। ठीक है बेटा जा, जल्दी आइयो। या अल्लाह, मेरे जैसा बेटा सबको दे। जरूर हमने अच्छे कर्म करे होंगे तभी इतने अच्छे बेटा बेटी मिले हैं। हाँ जी सही कह रहे हो आप। चलो पैदल कहांगी, मोटरसाइकिल बैठा लाऊंगा जल्दी से। तुम कौन हो, क्या बात है, और मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम बच नहीं रही हो। बचाना है तो अपनी इज्जत को बचा, बचाना है तो अपने बाप की पगड़ी को बचा, बचाना है तो अपनी बहन की इज्जत को बचा। क्या हुआ, तुम कौन हो? और हम इज्जत वाले लोग हैं। मैं तेरी शुभ चिंतक हूँ, हुआ क्या खुद जाके देख ले। तेरी बहन उस नौकर के साथ क्या इज्जत के गोल खिला रही है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो तू कर रहा है, जाके देख ले अपनी आंखों से। ठीक है हम बाद में जाएंगे, पहले अम्मी को लेकर आएंगे। मैं तेरे गुस्से का अभी मजा चखा देती, वहां देखता कौन अगर मैं तुझे डस लेती। अगर उसकी जेब से जड़ी बूटी निकल जाए तो मैं अपने अंदर का जहर उसके अंदर तोड़ देती, फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए मेरा होना पड़ता मेरा। कहीं इसकी बात सत्य ना हो, अम्मी अब्बू को लेकर चलता हूँ साथ। अम्मी अपने कानों से सुन के आया हूँ मैं। मुझे तो विश्वास नहीं है बेटा, ऐसा हो सकता है? चलो बेटा चलो, आराम से चलना, कीचड़ हो रही है। हाँ, हाँ, रुखसाना, अल्लाह ये क्या हो गया? हाँ अगर तेरे घर वालों ने शादी को मना कर दिया तो? ये मेरा अपना फैसला है, मर जाऊंगी, तू अपना फैसला बता। जब तू मेरे लिए मर सकती है तो मैं ही जी का क्या करूंगा? रुखसाना वही हो गया जिस बात का डर था, तेरे भैया आ रहे, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो जान से मार देंगे तुझे, तो तुझे मुझे भी जान से मार देंगे। आने दो भाभी, आज ना तो कल पता चलना ही था। अरे पगली तू जानती नहीं है क्या, तेरे घर वाले कितने खतरनाक हैं, हमें काट के बाजार में बेच देंगे। अगर तुम्हें मेरी वजह से इतना दुख मिलने वाला तो तुम्हारे हिस्से मैं ही चला जाता हूँ, मेरा क्या, मैं तो यहाँ भी ऐसा ही कहीं और भी ऐसा ही। मैं नहीं जाऊंगी, या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो या फिर मेरे साथ मरने को तैयार हो जाओ। मरने को मेरा है कौन, तेरा तो परिवार है रोने वाला, मेरे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। हम तो हैं तुम्हारे रोने वाले, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा करो तुम दोनों भाग जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं भाभी, ये मेरे बाप ने कभी सिखाया ही नहीं कि अपनी आफत किसी के गले में डाल के भाग जियो। भाभी शेख जी की मान लो, शेख जी सही कह रहे हैं। मैं अभी पता लग जाएगा झूठ और सच का। या अल्लाह ये क्या क्या सुनने को मिल रहा है। भाग जाओ टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। भाग कर जाओगे कहां? और तो घर की इज्जत नीलाम करने पे लगी हुई है, शर्म कर शर्म। और तूने सब कुछ एक पल में भुला दिया, लाड़ दुलार मेरा प्यार सारे सपने एक पल में चकना चूर कर दिए। क्या चाहिए अब्बू तुम्हें, बोलो, तुम जैसा कहोगे मैं ऐसा ही करूंगी। बोलो अब्बू बोलो। हमें कुछ नहीं सुनना,
इरशाद देख क्या रहा है, मार दे गोली, ना ये जिंदा रहेगी और ना बेइज्जती होगी। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना, गलती इसकी नहीं, गलती तो मेरी है, मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं इसे यहाँ लेके आई। ये क्या कह रही है तू? हाँ इरशाद, अगर मैं ऐसा ना करती तो रुखसाना कभी की भाग जाती, मैंने सोचा मौका देखकर बात करूंगी, इससे पहले तुम सब आ गए। खड़ा खड़ा सुन रहा, मार दे गोली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसे कैसे गोली मार दोगे? गोली मारनी है तो मुझे मारो, इससे मैंने प्यार करा है, ये तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहता था, इसकी हिम्मत तो मैंने बढ़ाई है मैंने। अम्मी, इससे इसकी जिंदगी छीन रहे हो, जिसने तुम्हारी बेटी को बचाया। सोचो अगर उस दिन ये मुझे ना बचाता तो तुम अपनी बेटी के बगैर जीते ना। और सुनो अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्या? और मैंने इसका दुख बांटने की कोशिश की, इसलिए कि ये बहुत दुखी है। अम्मी, अब्बू, भैया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कभी तुम्हारी खानदान की इज्जत को नहीं गिराया। अम्मी, इसने मेरे गात को छुआ और मेरे पैर से जहर निकाला, जिस मर्द ने मेरा गात छुआ उसे मैं अपना ना मानूं, मेरा क्या जीना, इससे तो मेरा मर जाना ठीक है। बोलो, तुम लोगों को रुखसाना की बात कुछ समझ आई या नहीं? मुझे तो इसने यही बात बताई और मैंने इनका साथ दिया। रुखसाना बेटी, तू इतनी समझदार कैसे हो गई? मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। बेटा, मुझे माफ कर दे, अगर मुझे तू सारी बात बता देती तो मैं इतना गुस्सा ही ना होता। बहन रुखसाना, आज इस धरती पे अच्छी बहन को कत्ल करने का दाग मेरे ऊपर लग जाता, मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। जा, जब तुझे इन लोगों ने माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया, मैं हार गई, तू मेरा ना हो सका। अब यहीं खड़े रहोगे? चलो घर चलो। मैं तो शेख जी के घर जाऊंगी, इनका भी घर है। इतनी जल्दी क्या है, अपनी ननद को लाड से, दुलार से, प्यार से शादी करके भेजूंगी। ये